जॉब लगना एज अ फ्रेशर उतना ही मुश्किल है जितना फ्रेशर जॉब लगने के बाद उसमें सस्टेन करना। बहुत सी मेजर गलतियां एज अ फ्रेशर हम करते हैं ड्यूरिंग अ फर्स्ट जॉब स्टार्टिंग के 1 से 2 महीने में ही, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या आता है कि या तो हमें प्रोविजन पीरियड पे ही निकाल दिया जाता है जो कि 3 से 6 महीने का। जब भी आप कोई नई जॉब ज्वाइन करते हो, नॉट इवन एज अ फ्रेशर, एक्सपीरियंस में आप कोई भी जॉब ज्वाइन करोगे, स्टार्टिंग से 3 से 6 महीने एक प्रोविजन पीरियड होता है जिसमें कंपनी चेक करती है कि यार उन्होंने जो हायरिंग करी है वो सही करी है, किसी गलत इंसान को तो हायर नहीं कर लिया। लाइक आपने इंटरव्यू में चलो ठीक है क्रैक कर दिया, मुझे रिएक्ट जैसा आता है, मुझे ये आता है वो आता है, बट जॉब लगने के बाद आर यू एबल टू डू द जॉब और नॉट, ये चीज़ चेक करते हैं प्रॉपर प्रोविजन पीरियड में। एंड वंस यू क्लियर द प्रोविजन पीरियड देन ओनली योर जॉब इज सिक्योर्ड। आप कह सकते हो ठीक है मेरी अब परमानेंट जॉब है। तो वो गलती मेजर मैं कहने वाला हूँ, वो एक ही मेजर सबसे बड़ी गलती है जो एज अ फ्रेशर कई करते हैं डेवलपर्स, जो मैं भी कर चुका हूँ और मेरे सीनियर ने मुझको भी एडवाइस दिया था, उसके बाद से बिलीव मी अब लॉट ऑफ थिंग्स गॉट चेंज। सो सेम आपको मैं आज इसकी वीडियो में एडवाइस देने वाला हूँ कि ये गलती आप बिल्कुल ना करें। इवन दो आप जॉब कर रहे हो तब भी ये वीडियो आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो और सर्च कर रहे हो दैट्स ओके, बट वंस यू डन द सर्च, वंस यू डन लाइक यू गॉट अ जॉब, तो ये वीडियो तब भी आप देखो ताकि आप वो गलती ना करो जॉब लगने के बाद, ताकि आपके जॉब के ऊपर खतरा पड़े। और ये खतरा सिर्फ प्रोविजन का नहीं होता, रिसेशन आ जाए या कंपनी में एक्सपेक्ट कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, कभी आपके सीनियर बोलते हैं कि यार अब हमें एम्प्लॉयज़ निकालने पड़ेंगे, ऐसा होता है कई बार कुछ ऐसे इश्यूज़ आते हैं कि एम्प्लॉयज़ कट ऑफ करने पड़ते हैं, वहाँ पे सबसे पहले तलवार लगती है उन्हीं लोगों की जो ये गलतियाँ वो करते हैं। सो ये जानने के लिए पूरी वीडियो में कि क्या है क्या नहीं, तो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, और बिना से देरी के आज की इस वीडियो करते हैं शुरू। सो गाइस, इससे पहले मैंने रियल में फ्रंट एंड डेवलपर कैसे काम करता है Part 1 की मैंने वर्किंग प्रोटोटाइप वीडियो बनाई थी, जिसके ऊपर ऑलरेडी मुझे बहुत बड़े रिस्पॉन्स मिले हैं, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप Part 1 देखो, जिससे आपको पता चलेगा कि फ्रंट एंड डेवलपर बेसिकली काम कैसे करता है। ये Part 2 है कि एज अ Part 2 में आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी ड्यूरिंग योर वर्क जो भी आपको मिलता है प्रोजेक्ट। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो, स्टार्टिंग में ही आपको भर भर के काम नहीं दिया जाता, चाहे आप एक्सपीरियंस हो चाहे फ्रेशर हो, पहले प्रोविजन पीरियड तक, एटलीस्ट प्रोविजन पीरियड तक आपको मेजर टास्क नहीं दी जाती। द रीज़न इज ओनली दैट प्रोविजन पीरियड इज जस्ट फॉर चेक कि आप काम कर सकते हो या नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको मेजरली काम असाइन कर दिया गया एंड यू आर नॉट एबल टू डू द टास्क तो उनका टाइम वेस्ट है। सो प्रोविजन पीरियड में मेजरली क्या वो असाइन करते हैं फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों भाई, इज बग फिक्सिंग। और जो एक्सपीरियंस डेवलपर्स मेरी वीडियो देख रहे होंगे दैट वुड बी एग्री विद मी टोटली। अगर आप एग्री करते हो तो फटाफट इस चीज़ को कमेंट भी कर दो ताकि बाकी जो फ्रेशर्स हैं वो भी इस चीज़ को समझ सके ठीक है जो मैं बता रहा हूँ दैट्स 100% जेन्युइन। स्टार्टिंग में जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करोगे वहाँ पे आपको मोस्टली बग फिक्सिंग ही दी जाती है, जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं उनमें ही कुछ इश्यूज अगर आएंगे। फॉर एग्जांपल आपको मैं लाइव दिखाता हूँ स्क्रीन में कि चलिए ये मेरा प्रोजेक्ट है HTML हिंट्स, एंड यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये पॉपअप नहीं खुल रहा। लाइक अभी आप देख रहे हो पॉपअप खुल रहा है, बट एक्स वाई जेड कोई इशू आ गया, मैं क्लिक कर रहा हूँ बट देर इज नो रिस्पॉन्स। तो इस सिनेरियो में आपको आपका जो सीनियर डेवलपर होगा वो आपको एक टास्क असाइन कर देगा, ठीक है ये प्रोजेक्ट बना बनाया सब कुछ ओके है इसके अंदर, बस ये पॉपअप नहीं खुल रहा है, सो फाइंड आउट द प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट। ऐसे कुछ तरह के आपको बग फिक्सिंग करने को मिलेंगे, और यही वो चीज़ें होती हैं जो डिसाइड करती हैं दैट विल यू बी सस्टेन इन योर जॉब और नॉट। अब यहाँ पर गलतियाँ मेजरली एज अ फ्रेशर जो कि मैं भी कर चुका हूँ वो क्या होती थी कि हम बहुत जल्दी ही नर्वस हो जाते हैं, बहुत जल्दी मतलब लाइक दिमाग में चीज़ें घूमती हैं, अपने सीनियर के पास भागते हैं कि सर हमसे नहीं हो रहा। और बिलीव मी ये वर्ड हमसे नहीं हो रहा विल बी लाइक योर एंड ऑफ द करियर। अगर ये वर्ड आपने बोलना नहीं छोड़ा, अगर आप अभी भी बोलते हो ये चीज़ कि सर मुझसे नहीं हो रहा, चाहे आप एक्सपीरियंस हो चाहे फ्रेशर हो, तो बिलीव मी यू विल नॉट गोइंग टू सस्टेन लॉन्गर। द रीज़न बिहाइंड कि कोई भी अगर आपको कुछ भी पेमेंट कर रहा है 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 सैलरी जो भी आपको दे रहा है वो इसलिए दे रहा है बिकॉज ऑफ योर स्किल्स, कि आप उस सॉल्यूशन का प्रॉब्लम लाओगे, दैट्स व्हाई दे आर पेइंग यू सो हाई। सो नाउ इफ यू नॉट एबल टू लाइक सॉल्व द थिंग्स तो व्हाई दे विल लाइक पे यू, दे विल सिंपली चेंज यू स्वैप विद अनदर डेवलपर। सो दैट्स व्हाट हैपनिंग इन द रियलिटी। आपको कोई जो टास्क दिया जाता है तो ये कुछ चीज़ों आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखिएगा, इन डिटेल बता रहा हूँ मैं चीज़ को, तो कोई भी आपको नहीं बताएगा, मुझे लिख के ले लो ये चीज़। आप सबसे पहले आपको जो भी टास्क दिए जाते हैं
उनको ध्यान से सुनो. सो नंबर वन, लिसन इट वेरी केयरफुली. इवन मैं कहूँगा अगर उसको रिकॉर्ड करना पड़े रिकॉर्ड भी कर लो, चाहे किसी अगर लैपटॉप में वो बता रहे हैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर लो. मैं यही चीज़ करता था स्टार्टिंग में लिटरली. मुझे अगर कुछ लाइक मुझे मैसेज आता था मेरे सीनियर का, सो लेट्स कनेक्ट, देर इज़ अ बग एंड यू हैव टू सॉल्व इट आउट. मैंने कहा ओके. सो हम गूगल मीट में जाते थे, ज्वाइन मीटिंग में मुझे बताता था. वहाँ पे कई बार क्या होता है, आप नर्वस हो जाते हो, यू नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली. सो मैं क्या करता था, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता था मोबाइल के अंदर. मैं कहा ओके 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 ओके. अब उसके बाद मैं उस रिकॉर्डिंग को दो तीन बार देखता था कि उसमें बोला क्या है. द रीज़न बिहाइंड इज दिस कि आपको बार बार अपने सीनियर के पास ना जाना पड़े. द बेस्ट इम्प्रेशन इज आपको टास्क असाइन हुआ, एक उसने टाइम दिया कि दो दिन में टास्क करो. अब दो दिन या उससे थोड़ा सा पहले, ऐसा नहीं है उसने अभी टास्क दिया और एक घंटे में कर दिया. ये गलती बिल्कुल मत करना, मैं फिर से बता रहा हूँ. कई फ्रेशर गलतियाँ ये भी करते हैं. टास्क असाइन होता है, अगर आपको दो या तीन दिन का टाइम मिला है सो यूज़ योर प्रॉपर टाइम, डू प्रॉपर टेस्टिंग, चेक ऑल द सिनेरियोस एंड डू वर्क लाइक यू डोंट नीड टू रीवर्क इट अगेन. दोबारा वहाँ से आपके सीनियर आपको ना बोले कि ये गलती यहाँ रह गई है, इसको ठीक करो. पॉइंट आउट करने का मौका नहीं देना बिल्कुल भी. मैं कहने का मतलब ये है. सो एक तो हो गया आपको टाइम फ्रेम, तो आपको उसमें ध्यान क्या रखना है, प्रॉपर ध्यान से सुनना है ताकि वो बार बार जाना ना पड़े कि आपने ये क्या बोला था. ये गलती अगर आप करोगे तो बिलीव मी दैट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट, और जो आपका फीडबैक जाएगा प्रोवेशन पीरियड आपका जो भी जॉब कंटिन्यू के लिए, वो नेगेटिव ही जाएगा. दैट विल इम्पैक्ट योर परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटी ऑल्सो. सो एक तो ये चीज़ हो गया. अब सेकेंड, आपको जो बग दिया गया कि ठीक है ये बग है, सो फाइंड द रूट कॉज. पहले जाते ही ठीक करने नहीं बैठना आपको. बग का मतलब क्या होता है कि वो फीचर पहले काम करता था, नाउ इट्स स्टॉप वर्किंग. सो व्हाट इज द रूट कॉज बिहाइंड दिस. आपको प्रॉपर एक एक स्टेप चेक करना पड़ेगा कि ठीक है अगर रिएक्ट की बात कर रहा हूँ कि ये कॉम्पोनेंट मेरा पॉपअप है तो ये किस किस कॉम्पोनेंट में रेंडर हो रहा है. अब रेंडर हो रहा है तो किसके थ्रू आ रहा है, क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या स्टेट्स हैं, कैसे वो पास ऑन हो रहा है, ये सब चीज़ इन डिटेल चेक करने के बाद, वंस यू गॉट द रूट कॉज. अब ये रूट कॉज आपको डीबगिंग के थ्रू या किसी के थ्रू भी हो सकता है, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ वीडियोस आर अवेलेबल कि डीबगिंग क्या होती है. वो डीबगिंग से ही बेसिकली रूट कॉज पता चल जाते हैं, चाहे आपका वो रिएक्ट हो कुछ भी हो. वंस यू गॉट द रूट कॉज, फिर आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. अब यहाँ पर ही कहीं बार क्या होता है, डेवलपर्स भागते हैं सीनियर के पास कि सर मुझसे नहीं हो रहा. अगेन ये गलती बिल्कुल भी मत करो. मैं कह रहा हूँ 99.9% के बाद जब आपको लगे कि अब नहीं हो रहा तभी जाओ, और वो वंस इन अ वाइल का ही सीन होना चाहिए. बिलीव मी, मुझे जॉब करते हुए 4 साल हो चुके हैं और करंट कंपनी में, मैं पुरानी कंपनी की बात छोड़ो, वहाँ तो मैंने गलतियाँ करी हैं, उसके ऊपर ही वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप ना करो. करंट कंपनी में जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं आज तक एक बार भी अपने किसी सीनियर के पास नहीं गया कोई टास्क लेके ये मुझसे नहीं हो रहा. माई रिकॉर्ड इज 100% टिल नाउ. दैट्स वाई आई एम टू कॉन्फिडेंट कि ठीक है रिसेशन आ जाए कुछ भी आ जाए मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली. द रीज़न बिहाइंड इट, टाइम में काम हो रहा है, प्रॉपर काम हो रहा है, टीम वर्क है, जो भी टास्क होते हैं 100% पॉजिटिव उसको मैं कर रहा हूँ. सो मुझे किस बात का डर है, रिसेशन आए कुछ भी आए, कंपनी उन लोगों को नहीं निकालती कभी भी जिससे उसका फ़ायदा हो रहा है, जिससे उसका टाइम बच रहा है, जिससे पता है कि ये बंदा है यार जो काम करता है, इसको बाबा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, इसको हमने टास्क दिया ये करके दे देगा, या जैसे मर्जी करे वो दे देगा करके. अगर आपको ये इमेज बनानी है तो ये चीज़ तो आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, उसको ध्यान से सुनो और ये चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करो. बिलीव मी यू विल सी अ क्विक रिजल्ट. आपके खुद एम्प्लॉयर्स जो पुराने कंपनियां जिस कंपनी में काम कर भी रहे होंगे वो खुद आके बोलेंगे यार क्या हो गया, काफ़ी चेंज हो गया पहले से. तो एक तो चलो ठीक है आपको बता दिया रूट कॉज आपने ढूंढ लिया. अब आपको अपने सीनियर के पास नहीं जाना कि यार ठीक है मुझसे नहीं हो रहा. आपको पहले क्या करना है, उस रूट कॉज को सर्च करो गूगल में. सिंपल सॉल्यूशन, सिंपल आंसर ऑफ एनी प्रॉब्लम इज गूगल इट. वंस यू लर्न हाउ टू गूगल, बिलीव मी आपका प्रमोशन ऐसे होगा, इंक्रीमेंट भी ऐसे होगा. द रीज़न इज हर कोई गूगल ही करता है, जो सीनियर होते हैं ना वो भी गूगल ही करते हैं. एज अ सीनियर मैं आई एम, अब मैं हूँ एज अ सीनियर, मैं कह सकता हूँ मेरे अंडर 4-5 डेवलपर्स काम करते हैं, तो मैं भी कोई इशू होता है मैं गूगल ही करता हूँ. स्टैक ओवरफ्लो, रेडिट में इतने सारे कम्युनिटी हैं जावास्क्रिप्ट रिएक्ट के, आपकी जो प्रॉब्लम आती है रेडिट में पोस्ट करो, विद इन एन आवर यू विल गेट अ सॉल्यूशन. और क्या चाहिए यार, जब बेशक आपसे काम नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे वो चीज़ आ गई आपसे ये टास्क नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीनियर के पास जाओगे. आप उस टास्क को अपने कम्युनिटी में पोस्ट करो, रेडिट में, फेसबुक में, कहीं भी आपकी डेवलपर कम्युनिटी है वहाँ पोस्ट करो. यू विल डेफिनेटली गेट एन आंसर, 99.9% मैं ये गारंटी दे रहा हूँ उस चीज़ की. और वो जब आप काम कर दोगे, वंस यू गॉट द आंसर और जो भी आपने अपने एक्सपर्ट तगड़म जुगाड़ करके कुछ भी करके आपने सॉल्व कर दिया,
उसके बाद सीधा भागना नहीं है कि सर मेरा हो गया हो गया, भाई पहले टेस्ट तो कर लो। मतलब दोबारा चलते हैं स्क्रीन की तरफ हमने, कि ठीक है आपने पॉपअप मेरा यहाँ पे लाके दे दिया, अब आपको मल्टीपल सिनेरियो चेक करने हैं। लाइक अगर मैं टैब चेंज करूँ, मैं इस टैब पे आ गया तो मेरा पॉपअप चल रहा है नहीं चल रहा, अच्छा मैं अगर मैं यहाँ पे चले गया तो अब मेरा पॉपअप चल रहा है नहीं चल रहा, तो आपको इस तरह से कुछ सारे सिनेरियो चेक करने हैं। और जब आप अपनी मीटिंग रखोगे सीनियर के साथ, आपको सब बताना भी है दैट दिस वॉज अ रूट कॉज, इसके वजह से हो रहा था, ये होता है पूरा सिनेरियो। प्रोफेशनल सिनेरियो में कह रहा हूँ, अ वे टू टॉक विद योर सीनियर सो एनी वन टू डिलीवर योर टास्क, दैट वॉज अ टास्क विच इज असाइंड टू मी, दैट वॉज अ रूट कॉज, दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन आई हैव डन एंड दिस इज अ टेस्ट सिनेरियो विच आई डिड। मैंने यहाँ यहाँ ये चेक कर लिया, ये चार पाँच जगहों में रेंडर हो रहा था, चार पाँच डिपेंडेंसी थी इसके ऊपर, तो आई मेक श्योर कि वो डिपेंडेंसीज इससे इफेक्ट नहीं हुई है मेरे चेंज से। तो ये चीज़ आपको वैसे भी ध्यान रखना है, बोलना ही नहीं है, ध्यान भी रखना है आपको। आपने कहीं भी कुछ बग फिक्सिंग चेंज करी है तो मेक श्योर उसकी जो भी डिपेंडेंसीज है वो इफेक्ट ना हो। अगर वो होंगे मतलब आपने नया बग क्रिएट कर दिया, आपने पुराने बग सॉल्व करने चक्कर में मतलब गए थे पुरानी चीज़ सॉल्व करने और 10 नई चीज़ें और लेके आ गए आप, ये बोली बात हो जाती है। एंड यहाँ पे फिर से नेगेटिव इम्पैक्ट कंपनी में पड़ता है। अब कई फ्रेशर इसको बचपना लेके जाते हैं कि ठीक है थोड़ा उन्होंने बच्चों सा माहौल बना रखा है कि हर बात आते सीनियर पर पहुँच जाते हैं। कई ऐसे जूनियर मेरे भी हैं जो मतलब बहुत ही लाइट लेते हैं, कैजुअल लेते हैं, हर एक छोटी चीज़ के लिए सीनियर पर आ जाते हैं कि सर ये कैसे होगा, सर वो कैसे होगा, सर ये नहीं हो रहा, सर वो नहीं हो रहा। बिलीव मी यू गाइज डोंट हैव एनी फ्यूचर एट ऑल अगर आप यही सेम कैरेक्टर आगे कंटिन्यू रखोगे, बिकॉज सीनियर मैनेजमेंट जाने के बाद ये चीज़ को भी एंटरटेन नहीं करता। नो वन हैज एनी टाइम टू टॉक सो मच। सो सिंपल आंसर ये है कि हर किसी को अपना काम पहले करना है, दूसरे काम पहले करता रहेगा तो ये अपना काम कब करेगा। दिस इज द मेन प्रॉब्लम एंड दैट्स द ओनली थिंग विच स्टॉप्स यू टू गेट प्रमोटेड, टू गेट हाई सैलरी, इवन टू गेट अ स्विच टू अनदर कंपनी फॉर अ बिग लाइक होलसम अमाउंट। सो आई होप गाइज दिस वीडियो विल गिव यू प्रॉपर पाथ कि वो क्या गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी है, बार बार सर नहीं खाना अपने सीनियर्स का, और क्या वो स्टेप्स होते हैं जो आपको परफॉर्म करने चाहिए वंस एनी टाइम एनी टास्क असाइंड हो यू। सो आई होप वीडियो को पसंद आई होगी गाइस। वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन, और कोई अगर इश्यू है तो उसे कमेंट करो, जरूर मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।